नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से, नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है, यह जीवन की गति रही है। मेले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं, मेले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही हैं। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है, संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानने की तपस्या। कल हमने दो महत्वपूर्ण साधन देखे और ये जो दो साधन थे इनके आधार पर हमारी आगे की साधना चालू होगी। वैसे अब तक तीन साधन हमने देखे हैं। सबसे पहला बताया था शब्द, हिंदी के शब्द, अपनी शब्दावली को बढ़ाना है, शब्दकोश को बढ़ाना है। शब्दकोश बढ़ते ही हमारा जो स्वयं से वार्तालाप है वो सुधर जाएगा, हमारा जो योग है और योग में जो हम बाबा से बातें करते हैं वो ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहला अगर टूल जो हमने देखा पिछले चार दिनों में तो वो था शब्द। रोज हिंदी के 10 नए शब्द, शब्द ढूंढने हैं, शब्दों का अर्थ ढूंढना है, फिर उस शब्द को लिखकर उसका एक वाक्य बनाना है और फिर
योग में उस वाक्य का प्रयोग करना है और सारी सारे दिन में, दिनचर्या में, वार्तालाप में, बातचीत करते समय उस शब्द का प्रयोग करना है, तब तक जब तक वो शब्द हमारा अपना न बन जाए। तो हर दिन हिंदी के 10 नए शब्द ढूंढने हैं। कहां से ढूंढेंगे? किताबों से, मुरली से, किताबों से, सब जगह से, जहां जहां से मिल सके वहां से। उस शब्द पर रुक जाना है थोड़ी देर। शब्दकोश, द्विभाषीय शब्दकोश, शब्दकोश डिक्शनरी होती है, उस, ये हमारा पहला टूल है तपस्या का। हम कोई वक्ता बनने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे वार्तालाप में जो गैप्स है वो शब्दों की कमी की वजह से, इसलिए। तो ये हमारा शक्तिशाली टूल है। दूसरा टूल श्वास और तीसरा संवेदना। कल हमने ये दो शक्तिशाली साधन देखे थे। सारे दिनचर्या में जब भी व्याकुलता आई, श्वास देखना चालू करो, संवेदना देखना चालू करो। सारे दिन में जब भी हलचल हुई, आंखें बंद, श्वास देखो, संवेदना देखो, श्वास देखो, संवेदना देखो। सारे दिनचर्या में बेचैनी हुई, आंखें बंद, अंतर्मुखी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारा काम इस शरीर के भीतर करना है। हमें बाहर के व्यक्ति को, परिस्थितियों को बदलना नहीं है। हमें काम किस पर करना है? केवल स्वयं पर। और स्वयं पर किस पे? श्वास पर, संवेदना पर। संवेदना को साक्षी होकर देखना है। तो कल जो अभ्यास किया, आज का पांचवा दिन सभी स्थिर बैठेंगे, क्योंकि इस साधना को हमको पक्का करना है। प्राणिक कनेक्शन में, प्राणिक संबंधों में 7 बातें हैं, उसमें ये 2 बातें आधार स्तंभ है, श्वास को देखना, संवेदना को देखना। श्वास को देखते समय कुछ भी नहीं जोड़ना, न शब्द, न रूप, न मंत्र, कुछ भी नहीं। शुद्ध श्वास, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। और अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास। कहां पर एकाग्र? केवल श्वास पर। कितना समय वो एकाग्र हो पाता, हमें इससे ये पता चलेगा कि मन कितना चंचल है। मन कहां भागता है? वर्तमान में वो रहना ही नहीं चाहता, एक पल भी नहीं रहना चाहता। उसकी सारी गति अतीत की ओर है या तो भविष्य की ओर। सभी स्थिर, आंखें बंद। शरीर निश्चेष्ट, श्वास को देखेंगे। कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, केवल देखना। आने वाले श्वास से लगाव नहीं, जो जा रहा है उससे भी लगाव नहीं। जो आ रहा है उससे द्वेष नहीं, जो रहा जा रहा है उससे भी द्वेष नहीं। शुद्ध श्वास, स्पष्ट जानकारी हो श्वास के आने की और जाने की। छल्लों को, नासिका के छल्लों को श्वास टकरा रहा है।
हवा को महसूस करना है। अब चलते हैं शरीर निरीक्षण की ओर, बॉडी स्कैनिंग। सिर के सिरे की ओर ध्यान, पूरे चेहरे का निरीक्षण, संवेदनाओं को महसूस करना है। कहीं दर्द है, कहीं खुजली, कहीं खिंचाव, कहीं तनाव, केवल देखना है बस। गर्दन, संपूर्ण दायां हाथ ऊपर से नीचे तक, प्रतिपल कुछ ना कुछ हो रहा है। कपड़ों का स्पर्श, कहीं कंपन है, कहीं दूजन, कहीं सूजन, कहीं ठंड, कहीं गर्म। बाया हाथ, मन को घुमाएंगे संपूर्ण बाएं हाथ, छाती, दाया भाग, बाया भाग, कहीं धड़कन, कहीं कंपन, कहीं पुलकन, पेट, कहीं थरथराहट, कहीं सुरसुराहट, कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। संवेदनाओं का संबंध सीधा सबकॉन्शियस माइंड से। हम चाहे कोई विशिष्ट संवेदना उत्पन्न हो, हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हम चाहे कोई संवेदना को रोक दे, हम रोक नहीं सकते। वो सहज स्वाभाविक हो रही है। पीठ का भाग, कमर, अपने मन को पीठ से कमर तक घुमाएंगे। जो कुछ हो रहा है सहज स्वाभाविक, केवल देखेंगे। दाया पैर, दाई जांघ, दाया घुटना, दाई पिंडली, दाया टखना, दाई एड़ी, पंजा, उंगलियां, कहीं खिंचाव है, कहीं स्थूल संवेदना है, कहीं सूक्ष्म संवेदना, कहीं स्पष्ट है, कहीं अस्पष्ट। आगे बढ़ने के बाद यदि पीछे कोई संवेदना उत्पन्न हो रही है, उसे छोड़ देना, आगे बढ़ते जाओ। बाया पैर, मन को भीतर से घुमाना है। जमीन का स्पर्श, कपड़ों का स्पर्श, हवा का स्पर्श। अब शरीर के वो सारे अंग जो छूट गए, मन को घुमाना है। तटस्थ भाव, साक्षी भाव, फिर से आ जाओ सिर के सिरे की ओर, और उसी क्रम से सिर के सिरे से भाव तक मन को घुमाएंगे। हर संवेदना अनित्य है,
विपरिणाम धर्म है, मरण धर्म है, बदल रही है, उदय वय हो रहा है बस। अभी अभी जो संवेदना है थोड़ी देर में वो अब नहीं है, कितनी क्षण भंगुर है। फिर से सिर के सिरे से पांव तक अब पूरे पूरे शरीर को स्कैन करना है, पूरा सिर एक साथ, दोनों कंधे छाती एक साथ, दोनों हाथ पेट एक साथ, दोनों हाथ दोनों पैर, ऊपर से नीचे तक तेजी से बॉडी स्कैनिंग करनी। यदि कोई संवेदना मिल रही है वहां थोड़ी देर रुक जाना है, देखना है उसको, फिर आगे बढ़ जाना है। यदि सूक्ष्म ही सूक्ष्म संवेदना है केवल, तो आगे बढ़ जाना है। पुनः थोड़ी देर में महसूस होगा पूरा शरीर ठोस रहा ही नहीं, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन है, वेव्स एंड वेवलेट्स, धारा प्रवाह ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। शरीर का स्थूलपन ठोसपन नष्ट हो गया है। एक साथ घुमाओ, एक श्वास में ऊपर से नीचे तक, दूसरी श्वास में नीचे से ऊपर। संपूर्ण शरीर अवस्था प्रकंपन ही प्रकंपन है, भंग 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 की अवस्था। हरिहंत में डुबकी, आंखें खोलेंगे हम शांत। स्वयं से जुड़ने के दो शक्तिशाली टूल्स हमने लिए, पहला श्वास, दूसरा सेंसेशन। इस सेंसेशन के अनित्य स्वभाव को समझना है और दोनों ही अभ्यास बंद आंखों से करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा है आत्मा। आत्मा की 10 बातें। जब भी योग का अभ्यास चालू करो तो शुरुआत करो श्वास से, बंद आंखें, 1 मिनट श्वास पर ध्यान, 3 मिनट बॉडी स्कैनिंग और फिर आंखें खोलकर योग का अभ्यास चालू। राजयोग की ये पूर्व भूमि पार्श्व भूमि है। अभी राजयोग, आत्मा की 10 बातें हमें अपने चिंतन में लानी है। जब भी योग का अभ्यास चालू करो तब सबसे पहली आत्मा की सूक्ष्मता। क्या चिंतन करेंगे कि मैं आत्मा हूं, कितनी सूक्ष्म हूं, द सटलिटी ऑफ द सोल। सबसे पहला अभ्यास आत्मा की सूक्ष्मता का, चिंतन करना है इसके ऊपर। और जितने अधिक शब्द होंगे उतना योग शक्तिशाली होगा, एकाग्रता होगी। यदि शब्द कम होंगे शब्दकोश में, एकाग्रता भंग होगी। इसलिए हमारा पहला टूल है शब्दों को बढ़ाना, रोज हिंदी के 10 नए शब्द ढूंढने। तो किस पर चिंतन करेंगे? सबसे पहला आत्मा की सूक्ष्मता, दूसरा आत्मा की पृथकता। जैसे हमने बॉडी स्कैनिंग में एक क्रम बनाया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन 10, शरीर को 10 भागों में विभाजित किया है। क्यों? हम कहीं से भी चालू कर सकते, घुटनों से चालू कर सकते, पैर से चालू कर सकते, परंतु फिर इधर उधर जिगजैग जिगजैग हो जाएगा।
एक क्रम चाहिए। हाँ, जब लंबा अभ्यास हो जाए तो फिर कहीं से भी चालू कर सकते हैं। योगी ऐसे बैठता है ध्यान में, 100 लोग आकर उसको उठाए तो भी उठ नहीं सकता है वो, और जब उसको उठना हो तो फूल की तरह उठ जाता है। ये योग की शक्ति है। बुद्ध आए हैं, सारिपुत्त बैठा हुआ है, उनका शिष्य तपस्या में ध्यान मग्न। बुद्ध का महावाक्य है, देखो इस तरफ कैसे हिमालय की तरह बैठा है, साधो साधो साधो, ऐसी निश्चल अवस्था, निश्चल अडोल अवस्था में बैठना है, अडिक अवस्था में। ब्रह्मा को देखा कैसे बैठा है, महावीर को देखो कैसे बैठा है, बुद्ध को देखो कैसे बैठा है। ओम शांति भवन में चित्र है कोर्स बुक का, ध्यान अवस्था अडोल, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उनको। दूसरा चिंतन करेंगे, इसी क्रम से जाएंगे, और जब बहुत अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास पहले से है, आज का अभ्यास नहीं है ये, फिर भी एक क्रम से जाना है, और फिर क्रम अपने आप होने लगेगा। दूसरा, आत्मा की पृथकता। मैं आत्मा अलग, शरीर अलग है, मैं अलग हूं। नयनम चिंदंती शस्त्राणी नयनम दहति पावक, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं अलग हूं। ये जो हो रहा है दर्द दुख पेन पीड़ा संवेदना शरीर की है, मेरी नहीं है, मैं अलग हूं। नच भाति भूत संगम, मैं ये भूत संग नहीं हूं, मैं अलग हूं। आत्मा की पृथकता, सेपरेटनेस पर चिंतन करना है। तीसरा, आत्मा की अमरता का चिंतन करना है। मैं अविनाशी हूं, शरीर जल रहा है, शरीर विनाश हो जाएगा, शरीर विध्वंस हो जाएगा, मैं नहीं। चौथा, आत्मा की चेतनता। मैं चेतन हूं, ये शरीर है जो जड़ है, जो मृण्मय है, परंतु मैं चिन्मय हूं। ये चार मुख्य है, यहां से योग का अभ्यास शुरू करेंगे। कहां से? आत्मा की सूक्ष्मता। मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं, मैं पृथक हूं, मैं अमरता अमर हूं, अविनाशी हूं, मैं चैतन्य हूं। अगले दो, आत्मा के गुण और आत्मा की शक्तियों का चिंतन। और जितने अधिक शब्द होंगे उतना यह चिंतन शक्तिशाली होगा, और जितना चिंतन शक्तिशाली होगा अशरीरी अवस्था शक्तिशाली होगी। नेक्स्ट, आत्मा की शक्तियां। इसके विस्तार में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो हम दूसरों को सिखाने वाले लोग हैं, इसके लिए जो सिखाने वाले उनको सिखाया नहीं जाता है। अगला, आत्मा का घर, आत्मा का पिता। अगला, आत्मा की यात्रा। मैंने कहां से यात्रा चालू की? परमधाम से नीचे तक, ये तो हम करते हैं, अब उल्टी यात्रा चालू करो। इस शरीर से पहले पीछे पीछे पीछे, द्वापर द्वापर तक जाओ, पीछे पीछे पीछे, कभी स्त्री के शरीर कभी पुरुष के शरीर। ये भी कर सकते हैं कि अपनी आंखों के सामने 84 शरीर देखो, एक स्त्री एक पुरुष, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, फिर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, सब इधर से उधर में जा रहा हूं, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से उधर। ये सब किस लिए? आत्मा से अलग, शरीर से अलग होने के लिए। क्योंकि सारा दुख चालू कब होता है? देह समझने से, देह देखने से, देह को स्पर्श करने से, देह को भोगने से। आत्मा की यात्रा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सीढ़ी है ना, सीढ़ी उतरो और सीढ़ी चढ़ो, और लास्ट आत्मा के समान। कौन से समान? कोई भी समान ले लो, रमणीक करो। आज सुबह का वरदान, जरूरी नहीं है कि तुमको मैं सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं, बाप के साथ परम धाम में कंबाइंड बीज रूप में। बाबा ने कहा, अरे स्वमानों की लिस्ट बनाओ, प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, अपने रमणीक अनुभवों की कहानी स्मृति में लाओ, अपने रमणीक अनुभवों की कहानी स्मृति में लाओ, ये काम करो। योग शुड बिकम मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। कल भी था ना, मेहनत नहीं मोहब्बत, गोद है।
बाप की। तो चालू करेंगे श्वास से, आएंगे संवेदना पर। अब दो प्रकार इसमें भी, आंखें बंद कर और आंखें खोलकर, दोनों ही अभ्यास करने हैं। आंखें बंद कर भी अभ्यास करना है और आंखें खोल कर भी अभ्यास करना है, दोनों ही अभ्यास। आंखें बंद करने में एकाग्रता अधिक होगी, परंतु ध्यान रखना है नींद ना आए, क्योंकि आंखें बंद करने सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि मुझे सोना है। परंतु इसका भी अभ्यास चाहिए। आंखें खोल कर क्यों? क्योंकि हमारा चलता फिरता उठता बैठता सोता जागता योग है, रमते योगी है। इसलिए बंद, इसलिए क्योंकि हम तपस्वी है। दोनों अभ्यास। तो तीसरा आयाम है आत्मा, चौथा परमात्मा। परमात्मा से जोड़ने के भी योग की 10 परिभाषा है। सबसे पहली परिभाषा योग अर्थात स्मृति। योग की 10 परिभाषा है, इन परिभाषाओं को याद कर लेना है। पहले आत्मा को मिटा दिया, अब बताओ वो नीचे नहीं देखना। आत्मा की 10 बातें: सूक्ष्मता, पृथकता, अमरता, चेतनता, ये हो गए 4। हर चीज को जिसको याद करना है उसके टुकड़े टुकड़े करने होते हैं, 4 को अलग कर दिया। अब 2, गुण शक्ति, ये हो गए। अगला पिता घर, अगला यात्रा, और लास्ट स्वमान। यहां हम उसको कितना भी विस्तार कर सकते हैं, ये हो गए 10। अब आगे बढ़ेंगे परमात्मा। जरूरी नहीं है परमात्मा को लाना ही है। जैसे शरीर समझने से शरीर के सारे रिश्तेदार याद आ जाते हैं अपने आप, हम याद करते नहीं, उसी तरह आत्मा समझने से अपने आप उसका घर कहाँ है, उसका बाप कौन है, वो सब याद आ जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने आप। आज सुबह की साकार मुरली, सबका लव एक जैसा नहीं है, बाप से अलग अलग है, पर जिसका जितना है वो अपने आप याद आएगा, पर ऑटोमेटिक, ऑटो मोड, ऑटो पायलट मोड। पहला योग की प्रथम परिभाषा है योग अर्थात स्मृति। स्मृति में लाना है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से हूं और क्यों हूं और किस लिए हूं। स्मृति और मेरा कौन है, क्या ये सब मेरे है क्या? इतने धोखे खाने के बाद भी कोई भी तो मेरा नहीं है। एक परमात्मा के अतिरिक्त हमारा अपना सगा कोई भी नहीं है। सौतलों की दुनिया है ये, धोखेबाजों की दुनिया। छलावे की दुनिया। दूसरा योग अर्थात मिलन। योग अर्थात मिलन। गीत में देखा और आज वो महामिलन की वेला है। आए है आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानो, क्यों शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ गया। कि अंतस में प्रेम रसपंदित करने का समय फिर आ गया। मिलन होता रहे, आज शाम को बाबा के सम्मुख होगा, सारे दिन भर ही होता रहे, क्योंकि हमारा मिलन बाहर है ही नहीं, सारा काम हमको शरीर के भीतर ही करना है। योग अर्थात मिलन। तीसरा योग अर्थात संबंध। संबंध जोड़ने, नए नए संबंध जोड़ो रोज। कौन सा संबंध नया जोड़ेंगे आज? रूटीन वाले नहीं बताओ, कोई नया वाला बताओ। वो मेरा मेहमान है, मेरे घर आने वाला है। अरे इतनी इतना बड़ा गेस्ट आ रहा है, सबसे पहले क्या किया जाता है गेस्ट आते तो? सफाई, मन की सफाई करो, ऐसे गंदले मन में वो नहीं आएगा। उसके लिए सुगंध चाहिए, सड़ांदों से पसंद नहीं, विकारों की। और क्या सोचेंगे आज कौन आ रहा है? कोई दूसरा संबंध बताओ थोड़ा नया वाला। कौन खास? जिसको क्या?
उसके आगे का बताओ, कौन सा, कौन, भतीजा, चाचा, काका, मामा, कौन, आखिर कौन आ रहा है? बच्चा तो रोज का है। कुमारों को क्या करेंगे, कुमार सोचेंगे बच्चा आ रहा है, कुमार बच्चा बिच्चा नहीं समझते, अपने आप को डैडी बिडी समझना मुश्किल है, माँ को माँ समझना ठीक है। पत्नी, बंगाल में एक संप्रदाय है सखी संप्रदाय, वहां परमात्मा को अपना सखी समझ जाता है, फीमेल, मैं मेल, वो मेरी सखी, मैं साजन, वो सजनी, सखी संप्रदाय। तो संबंध, नया संबंध, वो मेरा कोच है, वो मेरा गाइड है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, बाबा गाइड मी, गाइड करो, गाइड बहुत अच्छा संबंध है। रोज सुबह अमृत वेले वही वे, बाबा तुम बाप हो, टीचर हो, सदगुरु हो और साजन भी हो, और हो गया काम पूरा, अब आगे बढ़ो। मनोरंजन नहीं है, ये हो गया संबंध। चौथा, योग अर्थात लगन में मगन, योग की चौथी परिभाषा, लगन में मगन, क्या हो जाना है, मगन हो जाना है, खो जाना उस, उसके उपकारों को याद करना, प्राप्तियों को याद करना, कहां थे, कितने दलदल में फंसे थे, एक बाल दिख रहा था बस, उसने आकर उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे, एक बाल से पकड़ कर खींचा है, इतने डूबे थे विकारों में, स्वार्थ में, संसारिकता में, अपवित्रता में। योग अर्थात लगन में मगन। अगला, योग अर्थात याद की यात्रा, पांचवा, ये यात्रा है, कल जहां यात्रा छोड़ी ना, तो आज क्या करना है, वहां से आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, अब और आगे, और आगे, और आगे, पूछो मत कितना आगे, और आगे। तो ये है पांच परिभाषा है योग की। छठवी, योग अर्थात आत्माभिमान और परमात्मा अभिमान, सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, आत्माभिमानी स्थिति, परमात्मा अभिमानी स्थिति। अगला, योग अर्थात एकाग्रता, एकाग्रता अर्थात योग नहीं, परंतु योग में एकाग्रता चाहिए। सोचो जिस दिन हमारा इतनी एकाग्रता से योग होता है, कोई दूसरा नया विचार नहीं आया, उस दिन हम क्या कहते हैं, आज बहुत योग शक्ति चली रहा, क्यों, क्योंकि एकाग्रता थी। तो योग अर्थात एकाग्रता। अगला, योग अर्थात अटेंशन, सदा अलर्ट, सदा अटेंशन, प्रति पल सजग, एक एक पल, दिस मोमेंट, जैसे ही बुद्धि भटकने लगे, आनापान सती, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, इधर उधर भागने लगे, मन को लाओ खींच कर श्वास की तरफ, मन को लाओ संवेदना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिन ने कहा क्या करूं, खा जाऊंगा अगर नहीं बोलूंगे काम, तो मन जिन है, उसको काम दे दो, कौन सा, बैठ जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दर्द हो रहा है देखो दर्द को, खुजली हो रही है खुजली को देखो, पसीना आ रहा है संवेदना है देखो पसीने को, ठंड लग रही है देखो ठंड को, गर्मी हो रही है देखो गर्मी को, किसी ने धक्का लगाया देखो धक्के को, किसी ने चोट लगाई देखो चोट को, वो जाएगा, प्राण ऊर्जा भर दो। ये हमारी लंबी साधना 108 दिनों की, और इसमें एक एक दिन जो बातें होगी वो टूल होगा अगले दिन की साधना का। कोई अचानक बीच में आ जाए तो उसको कंफ्यूजन होगा, ये चल क्या रहा है, इसमें ना तो ज्ञान दिख रहा है ना योग दिख रहा है, वेरी श्रीमत, हटाओ इसको, ये तो मनमत है, ये आया कहां से, ये वहीं से आया है जहां से लाइट चली गई थी। अगला, योग अर्थात समर्पण, योग की परिभाषा क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं, बाबा अब तुम करो जो करना है, मैं नहीं करूंगा, यह है संपूर्ण समर्पित हो जाओ मन से, मुझे कुछ पता ही नहीं, तुम मेरी लाज रखो, लाज हरी, द्रौपदी क्या कुछ बचा ही नहीं उसके पास, अब हे गोविंद हे गोपाल, कोई देहधारी नहीं बचा है, यू एंड यू अलोन, केवल और केवल तुम, बस तुम, यही योग है। लास्ट, योग अर्थात एनर्जी ट्रांसफरन, ऊर्जा का
स्थानांतरण। हायर एनर्जी से ऊर्जा कहां बहती है? लोअर, आत्मा में ऊपर से ऊर्जा बह, यह है योग। तो पहला आयाम श्वास, दूसरा आयाम संवेदना, तीसरा आयाम आत्मा और चौथा आयाम परमात्मा, छठवां आयाम, पांचवा आयाम आत्मा है। छठवां प्राणिक कनेक्शन में छठवीं बात, पांचवी बात आत्मा है। ये उस दिन संडे की रात की क्लास में हमने चर्चा की, जो बाबा ने कहा हम बीज, हम जड़ है तो क्या करना है? पालना। कैसे करेंगे आत्माओं से कनेक्शन? इसकी दो विधियां है, एक कलेक्टिव एक इंडिविजुअल। सबको मिला के सकाश या एक एक को पकड़ पकड़ के सकाश, सामूहिक या व्यक्तिगत। दूसरा, पहला आत्माओं को आह्वान करो, क्या करेंगे? आत्माओं को आह्वान, फिर आत्माओं को दृष्टि देंगे सेकंड, तीसरा आत्माओं के हाथ सिर पर हाथ रख देंगे, वरदान देना आत्माओं को, अगला उनको प्रभु प्रेम का अनुभव करना, अगला उनको अशरीरीपन का अनुभव कराना, अगला उनसे रू रियान करना, उनसे बातें करना, उनको मुक्ति देना दुखों से, उनसे माफी मांगना, उनको माफ करना, उनको धन्यवाद देना, उनको सुनना, इतने दुखी है, दर्द में है, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए, केवल वो चाहते हैं कि हमको कोई सुने, बस उनको कहो सुनाओ, जो बोलना है अंदर जितना भरा है ना प्रेशर कुकर, सब निकालो, इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी वासना है, इतना दर्द, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना अंदर है, बस सुनाना चाहते, और ऐसे व्यक्ति के सामने सुनाना चाहते जो धोखा ना दे, जो निरपेक्ष हो, जो नॉन जजमेंटल हो, जो वो सुनाने से हमको जज ना कर दे, हम पे हमारे स्टैंप ना लगा दे कि तुम पापी हो, हम अपने जीवन की ऐसी बात बता दे सबसे बड़ा किया हुआ पाप तुमको सुना सके, इतना हल्कापन। लोग सुनाते क्यों नहीं है? भरोसा ही नहीं है सामने वाले पर, इसलिए, क्योंकि धोखा देते, डिसएडवांटेज लेते, इसलिए। तो आत्माओं के साथ ये सब करना है, और कुछ कुछ आत्मा इतनी तड़प रही है उनको मुक्ति देना है। अलग अलग ग्रुप बनाओ, CRPF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अलग अलग ग्रुप बनाओ, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड, हॉलीवुड, एक्टर एक्ट्रेस, अलग अलग क्रिकेटर्स, अलग अलग ग्रुप बनाओ, उनको भी सकाश दो। एक और एक ग्रुप है, गर्भ में पलता हुआ शिशु, उसको संस्कारों को रोपित करो, वहां पर दिव्य संस्कार, हे शिशु तुम्हें महान कर्तव्य करने हैं, उठ के ही सीधा चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा वो, अखंड भारत का सम्राट, मैं चाणक्य बोल रहा हूं, हे चंद्रगुप्त जाग, बातें करो उनसे। तो आत्माओं से बातें करना, और जो तड़प रहे आत्माओं के शरीर छोड़ दे, शरीर मुक्त हो जाए। आज ही का अनुभव है, हॉस्पिटल में जलगांव के संदीप भाई एडमिट थे 2-3 मास से, कल रात में मैसेज आया, मैंने कई दिनों से थे, 3-4 ब्रेन की सर्जरी, और कल रात में शरीर छोड़ दिया। आज सुबह ही जब उठे हम तो एक संकल्प आया कि इस आत्मा, बहुत सहन लिया, ये शरीर से निकल जाए, चली गई है रात को। तो ऐसी आत्माएं बहुत तड़प रही है, हमें उन्हें मुक्त करना है, ये भी हमारा एक काम है। तो ये हो गया आत्मा है। नेक्स्ट स्थान, प्लेसेस। तो 5 जगह है जो रोज सुबह हमको जाना है, कौन कौन से? यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंड है। चाहे तो इसको कोई लोग 7 कर देते, अमेरिका को ऊपर और दक्षिण और उत्तर, कई लोग उसको और टुकड़े कर सकते हैं, एशिया में और 2 या यूरोप को टुकड़े, पर मेजर 5 खंड है। यूरोप के ऊपर जाओ, अमेरिका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एशिया के ऊपर, ये 5 जगह है जहां जाकर हमको रोज डेली आत्माओं को सकाश देनी है। कौन सी सकाश देंगे? जो मर्जी है वो दो,
सब चाहिए आत्मा को, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, जो भी। लास्ट पांच तत्व, दो ऊपर तीन नीचे, आकाश में जाओ, हवाओं में सकाश, और फिर धरती पर आओ, पानी, जमीन और अग्नि। तो ये सात चीजें हमारे योग में रोज हो। चालू करेंगे श्वास से, संवेदना से, आत्मा का चिंतन, फिर परमात्मा चिंतन, और फिर आएंगे आत्माओं की तरफ। आत्माओं की तरफ कभी कभी ज्यादा ध्यान देना है, क्यों? कुछ कुछ आत्माओं से हमारा बहुत ही कड़ा हिसाब है, उनके लिए तो स्पेशल करना पड़ेगा, पहले जनरल, और जनरल से फिर पहुंचो स्पेशल, इंडिविजुअल। कईयों से माफी मांगनी है, क्योंकि अचानक हिसाब आ जाते हैं, हमारा कोई लेना ना देना। उनसे ज्यादा प्रयोग नहीं करने हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करने हैं। सकाश इन जनरल देना है सबको, प्रकृति में हम, मैं आत्मा से सकाश जा रही है, पकड़ पकड़ के भटकती हुई तड़पती उन आत्माओं को के पीछे ज्यादा नहीं लगना है। हाँ, लग सकते हैं यदि हमें कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, जनरल, नहीं तो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तो एक एक टूल पर काम करना है, एक एक टूल जो हमने लिया है, साधन जो लिया है, उसमें स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। कभी योग में बैठो तो सोचो कि केवल आज आत्मा की साधना करेंगे, बस, ओनली सोल की 10 बातें। कभी लो तो केवल परमात्मा की 10 बातें, उसमें एक है एनर्जी ट्रांसफरेंस, तो वो प्राणेश्वर है, उससे प्राण ऊर्जा मुझ में आ रही है, इतनी प्राण ऊर्जा आ रही है, मेरा पेट भर गया है, अब क्या खाऊं, भूख ही नहीं है। कभी ले लो, मिलन हो रहा है उससे, अलग अलग तरीके से मिलन मना उससे, मैं आत्मा गई परमात्मा से मिलन, ये एक मिलन, और अलग अलग विजुअलाइजेशंस करो, नए नए विजुअलाइजेशंस। तो या 10 बातें बताई परमात्मा में कौन कौन सी, पहला याद अर्थात स्मृति, दूसरा याद अर्थात स्मृति के अलग अलग नाम है, गुरु नानक कहते हैं सुरति, कबीर कहते हैं सुरति, सिमरन, सिख लिटरेचर में शब्द है सिमरन, हिंदी में शब्द है स्मृति, बाबा शब्द प्रयोग करते हैं स्मरण या फिर याद, और क्या क्या शब्द है रिमेम्बरेंस इंग्लिश में, सुरति, स्मृति, सिमरन, याद करना, रिमेम्बर करना, कितने अलग अलग शब्द है, और शब्दों के साथ खेलना है थोड़ा, तो उसे मजा आएगा। तो सबसे पहला स्मृति, दूसरा मिलन, तीसरा संबंध, चौथा लगन में मगन, पांचवा याद की यात्रा, छठवा आत्माभिमानी परमात्माभिमानी स्थिति, अगला एकाग्रता, अगला अटेंशन। कभी ये अभ्यास करो, आज सारे दिन भर मुझे अटेंशन रखना है, बस यही मेरा योग है, प्रतिपल सजग, सोना नहीं है, जागना, बेहोश नहीं हो जाना है, जागते रहना है, खा रहा हूं तो बस खा रहा हूं, चल रहा हूं तो केवल चल रहा हूं, ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही फोन सोचा इसको बात कर लूं, हाँ बोलो फिर क्या हो रहा है, ये तो बेहोशी थी, ऐसे ही मैसेज कर दूं किसी को, बेहोशी है वो। अगला समर्पण में क्या करेंगे, सब समर्पित कर दो, सब कुछ, और कभी कभी अकेले में करना ये प्रोसीजर, उधर बाबा के कमरे में जाके मत करना, पूरा साष्टांग दंडवत। जब शरीर मन के साथ काम करता है ना, तो रियल होता है, क्योंकि शरीर दिखता है। वैसे माता है, भक्ति तो करती है। हमें याद है एक बार सुबह सुबह बैठे थे 2 बजे बाबा के कमरे में, कुटिया में, धड़ 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 धड़, क्या हो रहा है, भूकंप तो नहीं आ गया, देखा एक माता पूरा परिक्रमा लगा रही है बाबा के कमरे की, तो कुटिया की, उधर शांति स्तंभ पे भी साष्टांग दंडवत करते हैं, या हाथ लगाते हैं, या ऐसे करते हैं, या सिर लगाते हैं, भक्ति मार्ग यहाँ पे भी चालू है, 7 फेरे लगाएंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे। आज भी बोला ना मुरली में, साकार मुरली शिव, और वो भगत देखो जल्दी उठ के क्या करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कम से कम 3-4 बजे तो उठो, वो कर सकते हैं भगत, जप करते हैं, शिव शिव करते हैं,
तीन चार बजे तो उठो, आज बाबा ने रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, एटलीस्ट कृपया करके अगर हो सके तो देखो भाई, अगर कर सके तो करो, मुझे खुशी होगी, बूढ़े की लाज रखो, देखो मतलब ये मेरा मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर तुमको लगता है तो करना, नहीं तो ठीक है। तो अकेले में अपने कमरे में जब बहुत टेंशन आ जाए तो ये भी किया जा सकता है, क्या कर दो, प्रणाम नहीं, समर्पण, तुम मेरी लाखो राजे हरि, तुम ही सब कुछ हो, अब कुछ रहा ही नहीं, मेरी अपनी कोई बुद्धि नहीं रही है, परिस्थिति इतनी बड़ी है कि बुद्धि काम करना शिथिल बंद हो गई है, सुन हो गए हाथ पाओ, समझ नहीं रहा है करूं क्या, अब तुम देखो, थोड़ी सी भक्ति करो शिव बाबा की, कम से कम हनुमान की, उधर हनुमान की थी, कृष्ण की थी, ज्ञान में आने के बाद पता नहीं प्रेम के आंसू कहां सूख गए, भक्ति में थे तो कितने प्रेम के आंसू बहा देते हैं प्रभु, यहां आए तो आंसू ही नहीं बहते, गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधुमय प्यार, आज बाबा मिलन का दिन है, गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधुमय प्यार, मिठास भरा प्यार, जब तुम आए पहली बार, कण कण पर बिछ गई तुम्हारी, तुम्हारी रूप माधुरी, स्वर स्वर में गा उठी तुम्हारी कंठ बांसुरी, किरणों के अवगुंठन में, अवगुंठन अर्थात घूंघट में हंस उठी पंखुड़ी, मेरे पग पा गए तुम्हारी गीत का पंत पसार, जब तुम आए पहली बार, बादल पर ये इंद्रधनुष के चित्र खिल गए, सावन को हस्ती बिजली के स्वप्न मिल गए, जिस दिन से तुम रमे असीम अभाव किल गए, किल गए अर्थात नष्ट हो गए, जब तुम आए पहली बार, सांस मिल गई युग युग के इस विकल मरण को, पंत मिल गया भूले भटके थके चरण को, दीप मिल गए अंधकार के महावरण को, विद्वासी सुनी रजनी को, मिला नखत श्रृंगार नक्षत्रों का सिंगार, जब तुम आए पहली बार, गीत गीत में शब्द शब्द में छाया मधुमय प्यार। और आज के जो महावाक्य जो कल भी नहीं बताए थे, कल और आज के लिए सेम, जो हमने कहा था एक महावाक्य याद करना है डेली जो यहां सुनाया जाएगा, तो आज के महावाक्य है, मुरली है, इतना सुनाते फिर पूरा करते, मुरली है 83 की, 10th November, शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे, यह लक्ष्य रहे, वार तो कई प्रकार के होंगे, आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलामिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा, लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना, अनन्य अर्थात जो अन्य न कर सके वह करना, कौन बनना है, अनन्य, अनन्य अर्थात जो किसी ने नहीं किया वो करना, सभी अनन्य है ना, जो सब करते हुए कर लिया तो क्या बड़ी बात, सिर्फ याद रखना मैं अनन्य हूं तो भी प्यारे और न्यारे होंगे, तो आज की सारे दिन की साधना है अनन्य बनना, अनन्य बनना अर्थात जो आज तक किसी ने किया नहीं वो मुझे करना है, ऐसी घनघोर तपस्या जो आज तक किसी ने नहीं की, ऐसी साधना जो किसी ने नहीं की, तब, और सबसे बड़ी साधना है अपने स्वभाव को पलटना, अपने स्वभाव को बदलना, मेरा जो स्वभाव है वो मुझे बदलना है, और बदलने के टूल से हमारे पास श्वास, संवेदना, आत्मा, परमात्मा, आत्माओं को सकाश, स्थानों पर जाना और प्रकृति को सकाश, ये सातों करते करते हम अपने स्वभाव को पलटेंगे। ओम शांति। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये सातों अभ्यास एक साथ करना है। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से, प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से, उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, किस लाखों को काटने का समय फिर आ रहा है।
नापना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। नापना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं। नया सवेरा आता है, असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है। चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। उठो ओ परवानो, उठो ओ परवानो, की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।